You can score those 15 marks in just 5 to 6 minutes. That's all you are going to take. If you have some formulas under your sleeves, you have your basic right. आपने प्रैक्टिस करी है साल भर. You have learned a lot in this year. You have worked hard. आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट लगेंगे. All you are going to take is 5 to 6 minutes to complete whole quant section. So I hope now you understand the importance of quant. क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि quant important नहीं होता, कि आसान से क्वेश्चन आएंगे, अपना आखिरी के 1-2 महीने में कर लोगे आप, और that quant is going to be very easy and you only need 2 to 3 months to complete the whole section. Please don't be in that illusion, because see, it's the CLAT is not like your school exam in which you are allotted 3 hours to complete the exam. See, that's the thing. If you stuck in a question in your school exam, you can spare 10 to 15 minutes for each question. But that's not certainly the case in CLAT. At most, you can spend a minute if you really want to attempt all questions in this CLAT paper. आप ज्यादा से ज्यादा बस 1 मिनट दे सकते हो हर क्वेश्चन को. तो अगर आप 1-2 महीना पढ़ के जा रहे हो तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आपको आते भी होंगे. पर अगर आपको वो 5 से 6 मिनट के टाइम में अगर पूरा क्वांट का सेक्शन करना है तो आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी क्वांट के लिए. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप मैसेज कर सकते yes, हो भैया. ठीक है, तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन. एंड सी, मैंने थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाऊंगा. मैं आपको एक असाइनमेंट नहीं देने वाला कि जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सी आप स्टार्टिंग में वो असाइनमेंट करोगे, बट देन यू विल यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू ऑल आर फ्रेशीज हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपके स्कूल का काम होगा और फिर LR और वो भी करनी होगी आपको, तो आप फिर वही क्वेश्चन नहीं करोगे. और मैं भी, मेरे पे भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हर बच्चे से पूछूं कि आपने ये क्वेश्चन करा है या आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है. तो मैं रोज आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जिसमें स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगेगा, पर जब एंड के मंथ्स में आओगे तो हार्डली आप क्वांट को एक दिन में 15 से 20 मिनट दोगे. दैट्स ऑल यू आर गोना नीड इफ यू रियली वांट टू स्कोर ग्रेट इन क्वांट, जस्ट 5 to 15 मिनट्स अ डे. ठीक है, पर उसके लिए वही स्टार्टिंग में तो आपको अभी टाइम लगेगा. और स्टार्टिंग में पता है टाइम भी मत देखना कि मेरे को एक क्वेश्चन सोल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, आखिरी में तो पता नहीं क्या होगा, मेरा पेपर ही छूट जाएगा. अभी आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, अभी आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तो अभी टाइम पे ध्यान मत देना. 1-2 महीना जो चल रहा है अपना आराम से क्वेश्चन सोल्व करो और सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि जो भी मैं PDF आपको या PPT भेजूंगा 5 क्वेश्चन की, उसमें एक्सप्लेनेशन तो होगी. और अगले दिन मैं वीडियो भी, आपके सबके साथ एक लाइव सेशन भी होगा, मतलब एक एक दिन छोड़ के होगा छोटा सा, जिसमें आपको मैं 5 जितने भी 5 क्वेश्चन होंगे वो सारे करवाऊंगा, और किसी को कोई डाउट होगा तो वो भी मैं लूंगा. सो आई होप आई एम क्लियर अगेन. आप मैसेज कर सकते हैं यस यस, किसी को कोई डाउट हो अभी तक. ठीक है, सो नो डाउट. तो ये हो गया क्वांट क्लैट का. अब बात करते हैं ALET की. अब ALET में देखिए क्या होता है. क्वांट क्लैट का और ALET का इज सर्टनली गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. इन ALET देयर आर मोर लाइक टू बी वन लाइनर्स. आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से आएंगे, पर वो भी बहुत आसान आएंगे. सी, अगर आप 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे, यू विल नोटिस दैट किसी क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश मॉडरेट से डिफिकल्ट हो गया है और अगले ही साल वो इजी आ गया है. जैसे इस साल इंग्लिश बहुत आसान था पर पिछले साल मुश्किल था. पर अगर आप नोटिस करोगे, मैथ्स हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहा है, मैथ्स कभी डिफिकल्ट नहीं आता. तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ALET में भी आप 10 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो. और ALET में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, आई मीन 50 सीट्स होंगी, एक एक दो दो मार्क्स पे आपकी रैंक 50 से 100 नीचे चली जाएगी, बिकॉज देयर आर अराउंड 20,000 to 25,000 स्टूडेंट्स गिविंग ALET 2 एवरी ईयर. सो या देयर आर सर्टेनली अ लॉट ऑफ कंपटीशन देयर आल्सो. सो यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज 10 मार्क्स जो आप अगर साल भर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो मान के चलो आपके आराम से आएंगे. मतलब इस साल का भी पेपर देख लो, 5 क्वेश्चंस मेरे को पक्का श्योर है कि आप सब कर सकते हो अभी भी. ठीक है,
हाँ रितिका, 5 क्वेश्चंस डेली, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप बस क्वांटी करते रहो पूरे दिन भर। आराम से आप करोगे तो आपको भी फॉर्मूले याद रहेंगे, इसलिए 5 क्वेश्चंस डेली। ओके, सो सोर्सेज की बात करते हैं अब। देयर इज दिस बुक ऑफ आईपीएम, पियर्सन की है वो बुक। मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। हमारा जो सिलेबस चलेगा सारा मैथ का, क्वांट का, फॉर बोथ क्लैट एंड ए लैट इज गोइंग टू रेफर्ड ऑन दैट बुक ओनली। ठीक है, मतलब मैं ये आर एस अग्रवाल और ये सब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कोचिंग में भी आप किसी से बात करोगे वो आर एस अग्रवाल रिकमेंड करेंगे कि भाई तुम आर एस अग्रवाल करो, मुश्किल करो, आसान क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। बात भी सही है, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होंगे आर एस अग्रवाल में, पर अगर आप आर एस अग्रवाल करते हो तो आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जो आपको देना ही नहीं है। आपको वो फॉर्मूलेस का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपके टेस्ट में नहीं आने वाले। या आर एस अग्रवाल इज गुड फॉर सीजीएल और सीडीएस और दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दोस काइंड ऑफ एग्जाम्स व्हिच यू आर गोइंग टू राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। दे हैव नो यूज इन दीस काइंड ऑफ एग्जाम लाइक आईपीएम और एलेट और क्लैट, क्योंकि मैंने तीनों दिए हैं। मैंने आईपीएम भी दिया इंदौर का, उसमें भी मेरा मैथ्स क्लियर हो गया था कट ऑफ। आईआईएम रोहतक में मेरा एडमिशन हो गया था, क्राइस्ट बैंगलोर मिला है मेरे को, और फिर अब एमएनएलयू तो मिला ही है, रैंक आप सबको मैंने शेयर कर दी थी। तो मैंने ये सारे एग्जाम दिए और मैंने देखा है कि ज्यादातर जो बच्चों की वो प्रिपरेशन रह जाती है या कट ऑफ मिस हो जाती है, वो बस इसलिए ही हो जाती है क्योंकि उनके सोर्सेज गलत होते हैं। वो उन बच्चों से पूछते हैं जिनसे उन्हें कभी नहीं पूछना चाहिए था। तो वही, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वांट पे इतना टाइम आपको देना भी नहीं है। बल्कि इफ यू कंपेयर द 5 सेक्शंस, इफ यू कंपेयर द टाइम यू आर गोइंग टू अलॉट ऑल दीज 5 सेक्शंस, वेदर इट्स इंग्लिश, एल आर, लीगल एंड क्वांट और जीके, क्वांट में आपको सबसे कम टाइम देना है, क्योंकि लीगल का और जीके का और इंग्लिश का, इन तीनों का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। इनको आप ढंग से पढ़िए और जो मैं 5 क्वेश्चन आपको दूंगा वो सब करिए, काफी रहेगा। ये सुहानी, हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ फॉर अ डे फॉर क्वांट। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी आपकी क्लास से लूंगा एक एक दो दो 1 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा दिन में भी स्टार्टिंग में, कि आपका जब तक बेस क्लियर नहीं हो जाता फिर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपसे। उसे ब्लैट में क्वांट नहीं होता है क्या? ब्लैट में सी उसका मेरे को सिलेबस नहीं पता, मैंने ब्लैट नहीं दिया था इस साल, पर स्लैट में आता है सिंबायोसिस अगर एडमिशन लेना तो। कोई डाउट है अभी किसी को, ये आगे बढ़ूं? एनी डाउट है ना? मैं तो मैंने सोर्स बता दिया आईपीएम की किताब से करना है। और सी, अब एक बार पूरे क्लैट की भी बात कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि नीट या जी में 14-14 लाख बच्चे दे रहे हैं, 15-15 लाख बच्चे दे रहे हैं, और क्लैट में बस अराउंड 80,000 to 1 लाख देते हैं। तो आपके मन में ये बात आएगी कि या इट्स गोइंग टू बी इजी टू टेक एडमिशन और गेट अ गुड रैंक। इट्स नथिंग लाइक दैट, बिलीव मी। क्योंकि सी, आपने भी देखा होगा जो आधी जनता जाती है जी और नीट देने, वो बस यूं जा रही है कि वो शर्मा जी का जो लौंडा है वो भी करे, चलो मैं भी कर ही देता हूँ, या आपके पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया आपको इसलिए आपने दे दिया। लो में ऐसा कभी नहीं होगा। लो में जितने भी ये 80,000 to 1 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, इन सबका पैशन है लो, इसलिए ये पढ़ रहे हैं इसे। मतलब हमें तो, मेरे को भी 11th के मिड में जाके पता चला था कि क्लैट का पेपर भी होता है, मुझे तो पता भी नहीं था। वो दोस्त तैयारी कर रहा था जब जाके पता चला था। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, एंड यू ऑल नीड टू वर्क रियली हार्ड If you really want to get a rank under 1000, आप सबने कट ऑफ देखी होगी इस साल कितनी कितनी गई है। So yeah, आपको सब कवर करना है, और क्वांट स्पेशली मैंने जैसे पहले भी बताया 15 मार्क्स मेरी गारंटी है। अगर आप अच्छे से जो भी मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा अब आपको साल भर, वो उन सबको आप अच्छे से करोगे तो आपके पक्का आएंगे 15 मार्क्स। हाँ जी सुहानी बोलिए। मैं आई हैड दिस लाइक प्रॉब्लम कि मैं जैसे एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करती हूँ, उसके क्वेश्चंस अगर मैंने करे जो भी फॉर्मूलाज इनको यूज करके, वो उस टाइम पे अच्छा करती हूँ, बट एज सून एज आई मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर वो पहले के चैप्टर के सब भूल जाते हैं। सी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा रोज, कि मैं एक चैप्टर को बहुत ज्यादा खींचूंगा, मतलब 1 से 2 हफ्ता खींचूंगा, कि आप जो फॉर्मूले होंगे ना वो आप भूलो मत। मतलब मैं ये भी कर सकता था कि जल्दी से एक 15 से 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट बना दिया और आपने कर भी दिया, वो याद भी हो गया, पर 1 महीने में आप भूल ही जाओगे। पर आप रोज सेम क्वेश्चन को देख के पढ़ोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे पूरे हफ्ते भर, तो आप उसे नहीं भूलोगे, एटलीस्ट आई बिलीव सो। फिर मैं रिवीजन भी लूंगा, तो यार उसकी फिक्र मत कीजिए आप, ये सब मैं सोच के चल रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी इसी साल दिया क्लैट। आई हैव ऑल्सो फेस्ड द सेम प्रॉब्लम्स एज फेस्ड बाय यू ऑल।
सुहानी क्लियर है? ओके यस भैया, हाँ गॉट इट। भैया, भैया बुक के नाम रिपीट कर दो। हाँ वो एक ही बुक है, वो मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। इट्स पियर्स, पब्लिशर पियर्सन था, आईपीएम की बुक है उनकी, वो मैं शेयर कर दूंगा। आर एस अग्रवाल भी शेयर कर दूंगा, अगर किसी का मन हो कि हाँ चलो पढ़ ही लेते हैं तो। नो डाउट एट ऑल। ओके तो शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं आप। सी फॉर टुमोरो आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड 8 बजे क्लास होगी आपकी कल। वो इस अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पेस में चलेगा कि आप सबका बेस क्लियर हो जाए। ओके क्या डाउट आ रहे हैं? ये ऋषिका का ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो आप जिसमें आधे से ज्यादा जनता जीरो है। जब भी मैंने ये सब्जेक्ट लिया है इतनी ये मैं वो 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप सब अच्छे हो सके। मेरे को भी पता है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, और मैथ्स सबने छोड़ ही रखी थी, तो इसलिए करते हैं मेहनत। हमारे साथ आप भी कीजिएगा, जीरो से हीरो हमें ही बनाना है आपको। ओके सो भैया, व्हाई वी शुड नॉट डू आर एस अग्रवाल? आई कुडंट हर्ट सी तारिका, दैट्स द थिंग। आर एस अग्रवाल आप कर सकते हो, बट वो आपको वो फॉर्मूलेस पढ़ाएगी जो आपके पेपर में नहीं आने वाले। मतलब आप अगर CDS की तैयारी कर रहे हो, CGL की जो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो, उसके लिए रेकमेंड की जाती है आर एस अग्रवाल। ये कोचिंग वाले यूं कुछ भी बोल देते हैं, इतना टफ नहीं आने वाला क्वांट का, क्योंकि आप पास्ट 10 ईयर्स के देख सकते हो एग्जाम पेपर्स। द लेवल ऑफ क्वांट वॉज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, दैट वॉज नेवर हार्ड। सी दैट्स वाई आई रिकमेंड IPM इंस्टेड ऑफ आर एस अग्रवाल, की आसान फॉर्मूले आएंगे, आपको भी याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले और आप आराम से टेस्ट दे पाओगे। आगे पढ़ते हैं, किसका डाउट है? ज्यादा गुस्सा मत करना, वी एक्सेप्ट वी आर नॉट गुड है। अरे मैं भी कहाँ अच्छा हूँ, आपके साथ ही पढ़ेंगे, गुस्सा तो वैसे भी नहीं आता। एग्जैक्टली PCB या एज आई सेड अर्लियर, विल यू बी कवरिंग द होल बुक और सिलेक्टेड टॉपिक्स? नो आई एम थिंकिंग अबाउट कवरिंग द होल बुक। पूरी बुक ही करेंगे, अब पूरी किताब दे रहे हैं तो पूरी ही करेंगे उसे। दे आर गोइंग टू बी अराउंड 20 टॉपिक्स फॉर होल ईयर टू कवर, सो ये आराम से होगी पूरी बुक। एक हफ्ते में एक सब चैप्टर भी करेंगे तो। मेरा मेनली स्पीड इशू है भैया, क्वांट में एक्यूरेसी सही जाती है 2 मॉक्स के वक्त। सी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी आप स्पीड की चिंता मत करो, वो धीरे धीरे आ जाएगी। मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगा, फॉर्मूलेज आपको जो मैं याद करवाऊंगा, मतलब एंड तक आपका यूं हो जाएगा कि या एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन का है कि लेट्स सपोज एक के 125, आप क्वेश्चन देख रहे हो कि एक वेरायटी का 125 रुपीज पर केजी है, एक वेरायटी का 150 रुपीज पर केजी है, जो मीन प्राइस दोनों को मिला के आ रहा है वो 137.5 केजी है, तो इनका रेशियो पक्का 1:1 होगा। जैसे अभी मैंने एकदम से क्वेश्चन बोल के आंसर बता दिया, ऐसे ही आप भी कर पाओगे, बस प्रैक्टिस की बात है। स्पीड की चिंता मत लीजिए, वो मैं करवा दूंगा। DCM प्रयास दास गुड, एलिमेंट्री मैथ्स अच्छी होगी फिर आपकी पक्का। दिशा ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, वेल ग्रेट देन। नहीं मैथ्स, स्कूल की मैथ्स तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी अभी। अभी आपको टाइम बचाना है, स्कूल में तो वो बस वो करते हैं आपके पेज भरो, आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, वो सब नहीं करना। आपको सीधा क्वेश्चन देखो, क्वांटिटीज देखो, वैल्यूज देख ली, मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर द क्वेश्चन आस्क फॉर, शूट आंसर। 1 मिनट से आप ज्यादा नहीं ले सकते, उधर तो 1 मिनट में एक लाइन लिखते हो आप। स्कूल जैसा मत सोचना कि स्कूल में जो क्वांट है वो ही आएगा सेम, प्लीज डोंट बी इन दैट इल्यूजन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, नहीं भैया इनसे तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है, ये सब नहीं आएगा। ओके तो कुछ और चीजें रिकमेंड करूं मैं अब प्रेशर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि क्लैट के समय पे बहुत प्रेशर होता है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप अगर लोगों की फील्ड में आगे जाते हो तो क्लैट एक अकेला पेपर नहीं है, एलैट का आप सबको पता है, उसके साथ साथ BHU होता है, ब्लैट का जैसे पूछा था अभी, BHU का होता है, जामिया का होता है, MH सेट होता है, L सेट होता है, और अब मैं रेकमेंड करूंगा कि आप BHU, MH सेट और L सेट, ये 3 पेपर क्लैट के साथ पक्का बढ़े। क्योंकि जब तक सी हेल्थ थी, जब तक क्लैट होगा, जब तक आपके पास एक अच्छा ना अच्छा कॉलेज पक्का मिल जाएगा, इधर थ्रू L सेट और थ्रू BHU और MH सेट, क्योंकि इस साल ही ये बाद में, वरना ये जनरली पहले ही होते हैं क्लैट से। और उसका ये फायदा होगा कि आप पे प्रेशर नहीं होगा क्लैट के समय पे, आप रिलैक्स होके दे पाओगे पेपर, क्योंकि क्लैट का पेपर पूरा रीडिंग के ऊपर होता है, इट्स ऑल अबाउट रीड। आपका कितना रिलैक्स माइंड है, आपको कितने सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं, इसके लिए आपको एक रिलैक्स माइंड चाहिए। और अगर आपने बस क्लैट ही बन रखा है तो ये डाउट आपके मन में पक्का आएगा कि अगर मेरा ये पेपर नहीं हुआ तो आगे मैं क्या करूंगा।
और फिर आप पूरा पेपर खराब कर दोगे अपना, क्योंकि कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, इतना प्रेशर अब बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो या अगर आपने एलसेट में आपकी 95% आ रखी है और आपको स्कॉलरशिप मिल रखी है जी एलएस में, तो आप चिल होकर पेपर देने वाले, और बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। आप यू विल ऑल सी दैट सर क्यू सेट का देना है क्या नहीं, क्यू सेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग विजेता, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ना, मैंने तो दिया था बेंगलोर में, हो भी गया था क्राइस्ट बेंगलोर में। यस वानी भैया, लाइक ये जो नए नॉन क्लैट एग्जाम्स होते हैं लाइक एलिट का, तो आई नो मोस्ट ऑफ द पैटर्न लाइक, बट एलसेट और ब्लैट इनके पैटर्न बिल्कुल मेजर डिफरेंस होता है क्लैट से, तो फिर नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो प्रिपरेशन आप सबकी करवाऊंगा वो इन सबसे रिलेटेड ही होगी। एनालिटिकल रीजनिंग मेन एलआर वो एलसेट में ही आती है, जो मैं आप सबको पढ़ाऊंगा अभी क्वांट के साथ साथ, वो एलसेट के लिए ही करवाऊंगा, तो इसकी चिंता मत लेना। बेसिकली इनका सिलेबस भी सारा सेम ही होता है, if there is a minor difference, that's my responsibility. You do not need to worry about that. Okay. So central universities, I have no idea about those exams. Sorry, Harsh. Slat में जी आती है AR का एक section. हाँ, slat में आ जाता है analytical reasoning, बिल्कुल आता है slat में भी। तो जब भी हम बिठा रखे हैं इधर आपको slat और ये क्यू सेट इन सबकी तैयारी करवाऊंगा AR की, एलेट में खासकर सी जो पज, क्योंकि ये यार वो एलेट का जो एग्जाम होता है वो टाइम के ऊपर है, मतलब आप पूरे उसमें 150 क्वेश्चंस करने की नहीं सोचते, आप सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करूं मैं, क्योंकि परीक्षा कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। पर जनरली बता रहा हूं मैं, जैसे लास्ट ईयर 71.25 की कट ऑफ थी, तो जिसने ज्यादातर क्वेश्चन सही करे हैं या जैसे जिसने 130 क्वेश्चन सही कर दिए उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए पजल्स जो एनालिटिकल रीजनिंग में होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एलेट के लिए। अगर आपको पजल्स की ट्रिक्स पता है, अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है, अगर आपको पता है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कंक्लूजन प्रीमाइसेस इन्फ्रेंस एंड अजम्पशंस, तो आप आराम से ये अराउंड 10-12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो फॉर श्योर। और रीजनिंग में इतने बहुत काफी होते हैं, एक पार्ट बता रहा हूँ मैं बस, एज ऑल नहीं बोल रहा। एमएच में यार काफी तगड़ा आता है, करवा देंगे भैया, दिक्कत की थोड़ी बात है, पजल्स की बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। मैंने एसबीपीओ वाले सर से फिरा था, तो उसकी चिंता मत लीजिए भैया। आपके अगर ग्रुप में ड्रॉपर्स भी हैं लाइक मी, उन्हें भी थोड़ा देख लीजिएगा, बिकॉज वी नीड टू गिव मोर एफर्ट। या फॉर श्योर प्रज्वल सी, आप ये जो मैं 5 क्वेश्चन दूंगा ये इतने आसान भी नहीं होंगे कि आराम से आप कर दोगे, मैं सारे मिक्स करके ही दूंगा टू कीपिंग इन माइंड बोथ ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर्स। और फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो क्वांट की जगह लीगल और जीके पे ज्यादा ध्यान दो तो ये अच्छा रहेगा, और ये जनरल पेपर सबके लिए, इधर यू आर अ ड्रॉपर और अ फ्रेशी, तो लीगल और उन पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एफर्ट जो लगेगा आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर तो उनमें ही होता है। हाँ, प्लस वन बाद में कर लेना। ओके, आई गॉट द आइडिया, देयर आर मेनी ड्रॉपर्स इन दैट ग्रुप। एनी अदर डाउट? हाउ टू डिक्रीज मैथ्स फियर विद प्रैक्टिस ब्रो, दैट्स व्हाई अगेन आई एम हियर। I'm going to give you 5 questions every day. Maths ka fear khud chala jayega. So yeah, you don't really need to worry about the fear of maths. It's all about how much you practice. Bahut weak hai bhaiya, quant section bahut weak hai. Ah, don't worry about that, Shivani. It's all about practice in quant. The more formulas you remember, the more tricks you know, the less time you are gonna take, the stronger your quant get. And that's the mantra for quant. So don't really worry about ki ye bahut weak hai. Yeah, nothing really to worry about that. Any other doubt? 12th D ke bachche lol. Come on, don't be like that. So, sources ki baat kar liya. I have talked about sources, the pattern of CLAT and LLAT. A few other tips as a whole. और कुछ पूछना है आप सबको? Can you repeat the schedule? See, Rishika, as such schedule नहीं बनाया, but for tomorrow we are going to start with the ratio and proportion, and the class is going to start at 8 PM sharp. Okay? And there's going to be a PPT. I'm going to share the screen. मतलब Zoom पे आप सबने school में class ली है, वैसे ही चलेगा सब. Book for analytical reasoning. Yeah, I forgot about that. Thank you, Garvit, for reminding me. See, for analytical reasoning, you can refer to R.S. Agarwal. Yeah, it's a great book for
एनालिटिकल रीजनिंग, आई विल सर्टेनली शेयर दैट इन ग्रुप टू, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप में दे दूंगा मैं। ओके गुरविंद, एनी अदर डाउट? गोइंग फॉर एम के पांडे। सी एम के पांडे इज नाइस बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, मैंने भी की थी, वो इतना कुछ खास नहीं होता उसमें। या तरीका आई एम सेट, अभी शेयर कर दूंगा मैं सेशन जैसे ही एंड होगा, दोनों बुक्स मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ ग्रुप पे। ओके प्रज्वा, इज देयर एनी नीड फॉर बाइंग एनी? सी विंदेश्वरी, अभी तो कोई नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू बाय एनी बुक एज ऑफ नाउ। इफ आई आई एम गोइंग टू फर्स्ट सर्च फॉर बोथ ऑफ दिस बुक, अगर मेरे को कोई सी बुक नहीं मिलती है तो मैं आप सबको बोल दूंगा कौन सी बुक आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी। वैसे अभी तो देयर इज नो नीड टू बाय एनी बुक एज अ फॉर क्वांट और एनालिटिकल रीजनिंग। ओके सो आई थिंक आज के लिए काफी है इतना, आपको मैंने सोर्सेज बता दिए, क्लैट का पैटर्न बता दिया, एलर्ट बता दिया, कुछ भी और जानना है आपको? जी पे बोनस में भी बहुत सारी बुक है, तो जैसे कोई बुक हार्ड कॉपी में होना चाहिए। यू डोंट रियली नीड एनी बुक इन हार्ड कॉपी फॉर क्वांट और एनालिटिकल रीजनिंग, बट फॉर या लॉजिकल और फॉर इंग्लिश आपके ऊपर है, आपको रीडिंग पेज पे करना अच्छा लगता है या वैसे। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू प्रेफर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑफ लॉजिकल फ्रॉम आरएस बट विदाउट एनी टाइम लिमिट। व्हाट शुड आई डू फर्दर? सी शिवम, डोंट रियली वरी अबाउट टाइम लिमिट एज ऑफ नाउ। आई एम सर्टेनली गोइंग टू टेल यू मोर ट्रिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन आरएस अग्रवाल, जो आपका टाइम बचाएंगी। बट या इट्स रियली गुड दैट यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक इन लॉजिकल दो विदाउट एनी टाइम लिमिट, वो खुद आप हैंडल कर लोगे। So, really nice to meet you all.